नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है लेट्स बिगिन तबला। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं त्रिताल से रिलेटेड और एक लघु के बारे में। तो इसके पहले पार्ट में मैंने आपको ये लघु सिखाई थी, तो इसके इस दूसरे पार्ट में हम सीखेंगे एक और एक लघु। इसके दूसरे पार्ट में मैंने जो लघु सिखाई थी वो ये थी। और इसके जो तीसरे पार्ट में है, ये जो इसका तीसरा पार्ट है, मैं आपको इस तीसरे पार्ट में बहुत और एक खूबसूरत लगी सिखाने वाला हूँ, वो इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये जो लग्गी है इसका विस्तार है। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं इस लग्गी के बारे में और एक एक इस लग्गी के बोल क्या है इसके बारे में। तो इसके बोल है, धा तिट तीर किट ता धिट तीर किट, धा तिट तीर किट ता धिट तीर किट। इस प्रकार से इस लग्गी का विस्तार है। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं इस लग्गी को हम तबले पर किस प्रकार से एक एक बोल के बारे में, और तबले पर किस प्रकार से हम इस लग्गी का विस्तार है, और ये लग्गी किस प्रकार से तबले पर बजाई जाती है। ये बहुत पुरानी लग्गी है और ये एक खास लग्गी है। तो चलिए सीखते हैं इस लग्गी के बारे में। तो इसका जो पहला बोल है वो है धा। धा इस प्रकार से, ये डग्गे का गे और तबले का ना मिलकर हम धा बजाते हैं, वो इस प्रकार से। उसके बाद है तिट। तिट इस प्रकार से, ये ती और ये ट, तिट। उसके बाद है तिरकिट। तिरकिट इस प्रकार से, ती र ती। तो इसका जो पहला बोल पहला पार्ट हो गया धा तिट तीर किट, इस प्रकार से धा तिट तीर किट, धा तिट तीर किट। इस प्रकार से इसका पहला पार्ट था। और उसका दूसरा पार्ट है ता धिट तीर किट। तो ता धिट तीर किट इस प्रकार से, ये ता। उसके बाद है धिट धी और ये ट। जिस प्रकार से हमने तीट बजाया था इस प्रकार से, ये तीट। तब तीट बजाते समय हमने इस डग्गे का इस्तेमाल नहीं किया था, पर धीटे बोल बजाते समय हमें इस डग्गे का यूज करना है। धीटा का जो धी है वो इस प्रकार से, धी, ये धी दबाकर इस प्रकार से धिट। ता धीट तीर किट, ये ता धीट तीर किट। इस प्रकार से ये जो खाली है इसका विस्तार है। तो मैं एक बार आपको ये खाली एक बार फिर से समझाता हूँ, वो इस प्रकार से, ये ता, उसके बाद है धिट धी और ये ट, उसके बाद है तीर किट ती र ट, इस प्रकार से। तो मैं एक बार ये पूरा बोल हम तबले पर किस प्रकार से बजाएंगे वो देखते हैं। धा तिट तीर किट ता धिट बोल बजाते समय, ये गौर कीजिए, धिट बोल बजाते समय हमें ये धिट बोल बजाते समय हमें इस मिडल फिंगर का यूज करना है और धी बजाना है, धिट, ये धी और ये ट। जिस प्रकार से तिट उस प्रकार से धिट, इस प्रकार से। तो ये सारा बोल हो गया धा तिट तीर किट ता प्रकार से ये जो बोल है इसका विस्तार है। तो आज के इस लेसन में हमने इस लग्गी के बारे में सीखा, और इसके अगले लेसन में हम और कुछ लग्गियों के बारे में सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी ये वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।